पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज आम आदमी पार्टी ने लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें तमिलनाडु की अम्मा जयललिता से लेकर यूपी के नेता अखिलेश तक का असर दिख रहा है। पार्टी ने 5 रुपए में खाना, छात्रों को फ्री लैपटॉप, बिजली के बिल में छूट, पत्रकारों को पेंशन जैसे कई लुभावने वादे किए हैं। इस मैनिफेस्टो में और क्या कुछ खास है ये भी आपको बताते हैं। 400 यूनिट तक बिजली बिल को आधा माफ करने का ऐलान किया गया है। गांव और शहर हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी जिसमें टेस्ट फ्री होंगे। राज्य में 25 लाख रोजगार अवसरों का सृजन किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 2500 तक किया जाएगा। सब्सिडी वाली कैंटीन की शुरुआत होगी जिसमें 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। NRI की जमीन पर हुआ कब्जा खत्म किया जाएगा। 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बेघरों को घर दिया जाएगा। डिप्टी CM पद किसी दलित को दिया जाएगा। शिक्षकों के 30,000 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। पत्रकारों को पेंशन देने की योजना शुरू की जा सकती है। नए वकीलों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दलितों को 2 लाख तक के लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में तमाम बड़े बड़े वादों की झड़ी लगा दी है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने मैनिफेस्टो के जरिए दलितों की राजनीति भी की है और साथ ही सिख दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजा देने का वादा कर एक और कार्ड खेला है। देखते रहिए DB Live।